ग्रे हेयर या फिर हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम होती है वो डायरेक्टली हमारे डाइजेशन सिस्टम से होती है। हम जो भी खाना खाते हैं वो अच्छे से अगर डाइजेस्ट ना हो वो हमारे हेयर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा तलतला खाना हुआ नहीं खाना है। जितना हो सके, हम एकदम तो कम नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके कम से कम तला हुआ खाना खानी चाहिए। ग्रे हेयर की जो प्रॉब्लम होती है वो मैक्सिमम 40 की एज के बाद होती है, बट नाउ जो है जो भी है हमारी लाइफ स्टाइल है इसकी वजह से कम एज में ये स्टार्ट हो जाती है। और इसकी बहुत बड़ी जो श्रेय है वो हमारी लाइफ स्टाइल से ही होती है। हमारा खान पान इतना अप एंड डाउन होता है कि उससे हमारा जो है हेयर फॉल या फिर हेयर ग्रे हो जाते हैं। जब भी हमारे हेयर्स ग्रे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर डाई कर लेते हैं, हेना कर लेते हैं या फिर कोई ट्रीटमेंट कर लेते हैं। इससे हमारे हेयर कुछ टाइम के लिए कलर हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे हेयर को जस्ट पेंट करते हैं, उसका सोल्यूशन नहीं निकालते। पेंट होने के बाद वो थोड़े टाइम बाद लाइक 15 डेज या 16 डेज के बाद वो फिर से वही कलर हो जाते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा, हमें इसका एक नेचुरल उपाय लाना चाहिए जिससे वो एकदम लॉन्ग टाइम के लिए, हमेशा के लिए वो ग्रे हेयर का जो प्रॉब्लम हो। तो इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि आप सुबह उठ के जब भी खाली पेट रहे तो आप एक ग्लास आंवले का जूस पिए या फिर एक ग्लास एलोवेरा का जूस पिए। ये दोनों आपके हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इन दोनों चीज़ों का जूस आप जब 15 डेज तक पियोगे लगातार, तो आप अपने हेयर में जो चेंजेस है वो देख पाओगे। तो ये हो गया हमारा इंटरनल, एंड हमारा एक्सटर्नल जो है उसके लिए मैं एक ऑयल प्रिपेयर करूँगी जिससे आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, आपकी ग्रे हेयर ब्लैक हेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस हेयर को आपको हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई करना है जिससे आपकी हेयर बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगी। हम यहाँ पे एक पैन में 2 टेबलस्पून के अकॉर्डिंग लेंगे मस्टर्ड ऑयल, उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून टी लीफ यानी चाय पत्ती, दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे एंड एकदम लो फ्लेम में इसे पकाएंगे। आप चाहो तो ज़्यादा ऑयल भी प्रिपेयर कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे जस्ट 2 टेबलस्पून बिकॉज मुझे इतना ही नीड है। इसे अच्छे से पकने दें, जब ये पक जाए अच्छे से तो अपने हेयर में अप्लाई कर लें। तो जिस तरह से मैंने हेयर ऑयल को प्रिपेयर किया है आपको ठीक उसी तरह हेयर ऑयल प्रिपेयर करना है। आप अगर चाहो तो ज़्यादा क्वांटिटी भी आप ले सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा की नीड नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा सा अप्लाई किया है जस्ट 2 टेबल। इस हेयर ऑयल को गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए एकदम कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मस्टर्ड ऑयल थोड़ा थिक होता है इसलिए हम जब हेयर में अप्लाई करते हैं तो हम जो बाहर की डॉट होती है उसे अब्सॉर्ब करता है, अपनी तरफ खींचता है, उस पर आके जम जाता है। इसलिए कोशिश करें कि जब आप अप्लाई करें तो उसे बाहर ना जाए। अप्लाई करके आपको नेक्स्ट डे शैम्पू कर लेना है एंड देन बालों को वैसे ही छोड़ देना है। उसके बाद जो भी आप अप्लाई करना चाहो, कंडीशनर वगैरह अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बट इस हेयर ऑयल को आपको हफ्ते में 3 से 4 बार अप्लाई करना है ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले और आपके जितने भी ग्रे हेयर हैं वो धीरे धीरे ब्लैक हो जाए।